हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बच्चों के लिए नाश्ता बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। उसके लिए लेंगे बेसन, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, अजवाइन थोड़ा सा और थोड़ा सा ऑरिगेनो और स्वाद अनुसार नमक, और उसमें डालेंगे पानी और फाइनल कैसा घोल बना लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसमें कोई बॉल्स ना बचे। लेंगे आप दो आलू, मैंने छील लिए हैं पहले से, और इसे कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस कर लेंगे, आप चाहे काट भी सकते हैं। मैंने कुछ कद्दूकस किए हैं, कुछ इस तरह काट भी लिए हैं पतली पतली स्लाइसेस में। देखिए जो आपको पसंद हो वैसे काट लीजिए और इसे वॉश कर लेंगे। तब तक मैंने चढ़ा दिया था कढ़ाई में तेल और वो गर्म हो चुका है। ऐसे डिप करेंगे स्लाइस को और ऐसे फ्राई करेंगे, एक एक करके ऐसे डालेंगे। इसे लाइट फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है ताकि ये क्रंची रहे। अब इसे ऐसे निकाल लेंगे सारे, फिर निकाल लेंगे और इसे सॉस के साथ खाइए। थोड़ा ऊपर से ऑरिगेनो डाल लीजिए और धनिया डाल लीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं। और इसे बच्चों को दीजिए खाने के लिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा, ये बहुत ही क्रंची है। चलिए बनाते हैं दूसरी रेसिपी। उसके लिए लेंगे दो ब्रेड, मैंने दो ब्राउन ब्रेड लिए हैं, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अब लगाएंगे एक तरफ एक साइड बटर, एक साइड मेयोनीज लगाएंगे। मैंने वेज मेयोनीज लगाया। ऐसे गोल गोल टमाटर के स्लाइसेस काट लिए थे, अब टमाटर ऑनियन ये स्लाइसेस लगाएंगे। ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी सीजनिंग और थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ऐसे, और टमाटो सॉस। अब ब्रेड को ऐसे बंद करेंगे। अब तवा चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे बटर थोड़ा सा और ऐसे ब्रेड रख देंगे उसके ऊपर और दोनों साइड सेकेंगे ऐसे ताकि हल्का हल्का ब्राउन हो जाए। अब ये रेडी है। अब इसे अपने बच्चों को दीजिए खाने के लिए बनाकर। इसे सॉस के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ ये बहुत टेस्टी। अब बनाते हैं दूसरा नाश्ता। लेंगे पैन, उसमें डालेंगे तो ऑयल थोड़ा सा। अब उसमें डालेंगे अदरक बारीक कटा हुआ और उसमें डालेंगे प्याज और थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अब उसमें डालेंगे थोड़े से मिर्च, ऐसे ब्राउन करना है। अब उसमें डालेंगे दो टमाटर, गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और इसे अब मिक्स करना है। पूरा मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये देखिए अच्छे से पक गया है, कुक हो गया है। अब इसमें डालेंगे एग, मैंने तीन एग डाले हैं, हाँ तीन चार पाँच छः डाल सकते हैं, जितना डालना हो। ऊपर डालेंगे थोड़ा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक और कोरिएंडर। इसे 5 से 7 मिनट कुक करना है बस, ज़्यादा नहीं। ऐसे कट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब इसे खाएंगे। इसे बच्चों को रोटियों के साथ देंगे खाने के लिए, ये बहुत ही हेल्दी है। अब बनाएंगे हम दूसरा नाश्ता। फिर लेंगे पैन, उसमें डालेंगे तेल, उसमें डालेंगे लहसुन बारीक कटी हुई और थोड़ी से अदरक बारीक कटी हुई, मिर्च। अब इसमें डालेंगे एक प्याज कटा हुआ, एक टमाटर। फिर इसे थोड़ा सा मिक्स करना है, स्वाद अनुसार नमक। नमक ऐसे टमाटर डालने से टमाटर गल जाते हैं जल्दी। इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस और टमाटो सॉस और शेजवान चटनी। अब मैंने इसमें दो मैगी डाला है, आप एक भी डाल सकते हैं, दो से तीन भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। और जानते हैं बच्चों को मैगी कितनी पसंद होती है। अब इसमें डालेंगे पानी और पानी डालने के बाद डालेंगे इसमें मैगी मसाला और इसे बस 2 मिनट इसे बंद करके कुक करना है। और ये खोलते खोलते ये अभी रेडी है, खोल गई अच्छे से, पक भी गई है। इसमें डालेंगे ऊपर से चिली फ्लेक्स और ये बहुत टेस्टी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसे बना के देखिए। अब हम बनाते हैं दूसरा नाश्ता। लेंगे फिर पैन, उसमें फिर से डालेंगे तेल और जीरा, हरी मिर्च कटी हुई, प्याज कटा हुआ
और थोड़ा सा पत्ता गोभी, और इसे हेल्दी बनाने के लिए गाजर, और ऊपर से थोड़ा नमक और टमाटर। नमक डालने से सब्जियां जल्दी पकेंगी ऊपर से। अब इसे 5 मिनट ढक कर पकाना है। अभी पक गई है। अब इसमें डालेंगे रात के चावल रखे थे वो डालेंगे, और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा टमाटो सॉस और सेजवान चटनी और थोड़ा सा फ्राइड राइस मसाला, इससे टेस्ट अच्छा आता है, और स्वाद अनुसार नमक। अभी इसे मिक्स करना है अच्छे से, पूरा मिक्स, ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इसे 5 मिनट तक ही कुक करना है, और ये रेडी है। ये देख सकते हैं बहुत टेस्टी है, और इसे दीजिए बच्चों को खाने के लिए, रेडी है। अगर ब्रेकफास्ट आइडियाज़ अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़।